नमस्कार, स्वागत है आपका सरकारी जॉब ज्ञान पर। इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताया जाएगा कि आईटीबीपी की ओर से कांस्टेबल की पद पर 112 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इस वैकेंसीज के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में मैं बताऊंगा। एप्लीकेशन फी हो गया, इंपॉर्टेंट डेट्स, कब अप्लाई करना है, कब नहीं करना है, एज लिमिट, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, योग्यता क्या रहने वाली है, किन किन कैटेगरी वालों को कितना पोस्ट रिजर्व किया गया है, अप्लाई कैसे करना है, लिंक आपको कहाँ मिलेगा, सारी डिटेल में बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन हम हमेशा लाते रहते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए एंड ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तो मैं बता दूं कि हमने हमारी वेबसाइट hindimeviki.com, ये इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, hindimeviki.com पर हमने ये आर्टिकल अपडेट कर दिया है। इसी का रेफरेंस लेके मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फॉर्म फिल करना स्टार्ट होगा 7 जुलाई 2024, ठीक है। आईटीबीपी का 112 वैकेंसीज है। आईटीबीपी यानी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ठीक है। इनकी ओर से हेड कांस्टेबल HC शॉर्ट फॉर्म में एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर की पोजीशन पर ये वैकेंसीज निकाली गई है। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अपडेट दिया गया है। आप 7 जुलाई से लेके 5 अगस्त के बीच में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको कंप्लीट डिटेल अगर जानना है तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड जो लास्ट डेट है फी पेमेंट का, 5 अगस्त 2024 है। एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ये सब का अभी कोई नोटिफिकेशन या कुछ भी डिटेल नहीं है हमारे पास। जैसे ही आता है मैं आपको नोटिफाई करा दूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपये देना पड़ेगा। एंड इसके अलावा जितने भी ऑल कैटेगरी फीमेल है, SC ST एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए छूट दी गई है, ठीक है। पेमेंट मोड जो है जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए पेमेंट मोड जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान के थ्रू पे कर सकते हैं, ठीक है। 100 रुपये एप्लीकेशन फी रखी गई है, ठीक है। अब आगे एज लिमिट की बात करें तो 5 अगस्त 2024 के हिसाब से मिनिमम एज 20 साल, मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। एंड एज रिलैक्सेशन जो कि गवर्नमेंट का जो अक्सर रहता है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल एंड SC ST वालों के लिए 5 साल। फिर भी आप आईटीबीपी HC एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर रिक्रूटमेंट रूल्स 2024 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 112 वैकेंसीज के लिए, तो आप वो नोटिफिकेशन PDF एक बार चेक कर लीजिएगा। आपको वहां पर रूल सेक्शन में एज लिमिट का मिल जाएगा, ठीक है। आगे वैकेंसी डिटेल्स की बात करें आईटीबीपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 के, टोटल पोस्ट जैसे कि मैंने पहले बता दिया 112 वैकेंसीज और पोस्ट नेम हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर है। योग्यता की बात करें यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, बैचलर्स डिग्री किसी भी स्ट्रीम में, BEd की डिग्री हो एंड इसके इक्विवेलेंट भी हो तो चल जाएगा, और बैचलर्स डिग्री विद साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। या तो आपके पास बैचलर्स डिग्री यानी स्नातक आपने किया हो साइकोलॉजी एक विषय के साथ, ठीक है, साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री हो किसी भी एक स्ट्रीम में विद BEd डिग्री, ठीक है, या इसके इक्विवेलेंट, ठीक है, ये आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। अब कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करें, टोटल 112 वैकेंसीज और लड़कों के लिए जनरल अनरिजर्व 37 पोस्ट, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 13, एससी के लिए 15, एसटी कैटेगरी के लिए 7, टोटल 96 पोस्ट, ठीक है। फीमेल कैटेगरी की बात करें तो जनरल अनरिजर्व के लिए 6, ओबीसी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, टोटल 16 वैकेंसीज जो है फीमेल के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। एंड लड़कों के लिए जो है 96 वैकेंसी अलग अलग कास्ट के हिसाब से इन्होंने रिजर्व कर दी, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमारे वेबसाइट hindimeviki.com पे विजिट करना है। आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा, वहां पर आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर नोटिफिकेशन सेक्शन मिलेगा, यहाँ से आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का भी लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप नोटिफिकेशन पर ओपन हो जाएंगे न्यू पेज पर। नोटिफिकेशन PDF को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको इस लिंक पर क्लिक करना है itbppolice.nic.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है आईटीबीपी का, जो इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स है ना, इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे वहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा। 7 जुलाई को ये एक्टिव होगा लिंक, 7 जुलाई 2024 से लेके 5 अगस्त 2024 के बीच में ही आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन PDF के पढ़ने के बाद आप लिंक पर जाके अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको OTR कंप्लीट करना होगा। OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये बेसिक डिटेल्स डालकर OTR कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद कुछ स्कैन डॉक्यूमेंट, स्कैन कॉपीज लगती हैं, जैसे फोटोज, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ में आधार कार्ड आपका, मार्कशीट हो गया,
एंड आपका जो डिग्री है उसका स्कैन डॉक्यूमेंट है ना, ये सारी डिटेल्स आपको, ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी 7 जुलाई में टाइम है, तो आप अपना डॉक्यूमेंट वगैरह अभी से रेडी कर लीजिए। एंड इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के बाद कुछ और डिटेल्स मांगा जाएगा, एड्रेस वगैरह। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आप एक बार प्रीव्यू करके चेक कर लीजिएगा कि सारी डिटेल सही है या नहीं। क्या पता आपको करेक्शन का टाइम दिया जाए या ना दिया जाए। ठीक है, करेक्शन के लिए कभी कभी होता है कि कहीं कहीं विंडो ओपन नहीं किया जाता है, जो आपने डिटेल फिल कर दी वही हो जाता है एंड बाद में रिजेक्ट हो जाता है। तो मेक श्योर कि आपका डिटेल्स जो है करेक्ट फिल हो, एंड एक बार प्रीव्यू करके चेक करिएगा, फिर उसके बाद ही पेमेंट करिएगा। पेमेंट जैसे मैंने पहले बता दिया, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए है, बाकी एससी एसटी एक्स सर्विस मैन ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए छूट दी गई है 0 रुपीज में। आप क्लिक करेंगे वहां पर, पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा 0 रुपीज, तो उस पर क्लिक करेंगे तो पेड हो जाएगा। पेड होने के बाद ही आपके पास एक रिसिप्ट मिलेगी, उसका एक प्रिंटआउट निकलवा लेना है। ठीक है, प्रिंटआउट निकलवा लीजिएगा, क्योंकि आगे आपका सबमिट होगा, वो उसका एक रिसिप्ट होता है, वो सबमिट होता है वहां पर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन हम हमेशा लाते रहते हैं, खासकर अपकमिंग नोटिफिकेशन हम समय समय पर लाते रहते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए। इस वीडियो पर अपनी राय देने के लिए कॉमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।